सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम सिरसा ज़िले में फग्गू गांव के अंदर जो कि स्वैग भाई साहब के घर पे हैं और ये जोटी कैमरे के सामने, इसके बारे में डिटेल से बताएं और पशुपालक भाई वीडियो को देखें। उससे पहले मैं कहूँगा, जो भी भाई हमारी इस वीडियो को आज पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि जो भी आप अच्छा या उमदा क्वालिटी का मुर्रा का पशुधन खरीदना चाहते हो तो आप उसके ऊपर जो स्क्रीन पे भाई का नंबर दिया जाएगा उसके ऊपर संपर्क करें और एक अच्छा पशु आपको प्रोवाइड हो। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भैंस है काफ़ी हैवी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, इतनी ऊँचाई लंबाई और जो मुर्रा के करेक्टर इसके अंदर हैं वो आज पशुओं में बहुत कम मिल पा रहे हैं, क्योंकि अगर एक क्वालिटी मिलती है तो दूसरी मिलनी मुश्किल है, और अगर हम कहेंगे कि सभी गुण मिलते हैं तो रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई बोल रहे थे कि बिक्री का विचार कम ही है, लेकिन पशुपालक हैं अभी जो कोरोना वायरस के कारण कोई भी काम नहीं चला पा रहे, तो इस करके सभी पशुपालक रेस्ट के ऊपर हैं और घर में जो कर्फ्यू लगा है उसके कारण घर से बाहर भी नहीं आ पा रहे, तो उसके एवज में ये वीडियो डालें, क्योंकि भाई ने फ़ोन किया कि हम अपनी जोटी भी दिखाना चाहते हैं कि एक आम पशुपालक भी इतने अच्छे पशु तैयार कर रहा है। तो जोटी ने दूसरे ब्यांत में 19 किलो दूध दिया है और तीसरी बार बच्चे को जन्म देने वाली है, अभी 2-4 दिन टाइम बाकी है बच्चा देने में, और मैं कहूँगा कि 70577 से सीमन से 51 है। और ये जोटी भाई ने कहा कि हमने इसकी डिटेल पीछे से पता की तो ये हरियाणा से ही लेके गए हैं और ये HLDB के सीमन की खुद है। तो काफ़ी पशुपालक हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं सीमन कौन सा यूज करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी एक बुल को प्रमोट नहीं करूँगा, अगर जहाँ तक देखा जाए तो जो सरकारी सीमन है HLDB के काफ़ी उमदा हैं, क्योंकि इन्हीं से निकल के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पशुपालक हैं उन्होंने पशु तैयार किए हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट से निकल के और जो HLDB के सिलेक्टेड सीमन थे उनमें से तैयार हुए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हरियाणा के अंदर जो दूध की प्रतियोगिताएं चलती हैं उनसे अच्छे पशु सिलेक्ट करके उनके जो बुल तैयार किए गए और अच्छे सीमन प्रोवाइड करवाए गए, जो आज हरियाणा को मुर्रा की खान माना गया है उसके अंदर ऐसे ऐसे नायाब नगीने आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो देखिए, आप जो सींग हैं वो बिल्कुल रिंग, और क्वालिटी थोड़ी वीडियो में कम है क्योंकि भाई ने वीडियो डाली थी खुद वहाँ से बना के, क्योंकि इस टाइम कर्फ्यू है बाहर जा नहीं सकते। टेल बिल्कुल जेड ब्लैक, कुछ ही बाल वाइट हैं, और जो थनों की क्वालिटी है स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल मुट्ठी का थन और काफ़ी हैवी पीठ पुट्ठे में। ऐसे एनिमल जो ब्रीडिंग के एवेज में भाई काम कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी, मैं कहूँगा कि अच्छी जो हाइट वेट, जो पीछे से जो थनों का गैप है, अंडर साइज है, और एक आम पशुपालक हम चाहते हैं कि हर उस पशुपालक के घर अच्छे सीमन यूज करके अच्छे पशु तैयार करें, ताकि आज इस महंगाई के दौर में एक अगर देखा जाए तो दूध ही ऐसी चीज़ है जो अगर हमें शुद्ध प्राप्त नहीं हुई तो हम कहीं भी किसी भी आगे सेक्टर के अंदर विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं तो आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज जो कोरोना वायरस से देश इस भयंकर महामारी से जूझ रहा है उसके अंदर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अपील करूंगा और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री तक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाली आप लोगों के लिए, क्योंकि जो ऐसी पहली बार किसी इतिहास के अंदर हुआ है कि एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आम जनता के अपने देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उसके अंदर नहीं। तो बहुत बड़े बड़े देश हैं जो आज हमसे हर सेक्टर में काफ़ी आगे हैं, और स्वास्थ्य सेक्टर में तो इटली बहुत ही आगे है, लेकिन इटली के ये एक वीडियो देखने को मिला कि वहाँ का प्रधानमंत्री खाली बैठ के अपना जो दुख है वो व्यक्त कर रहा है, रो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हम कहेंगे कि जो आज हमारे पुलिसकर्मी हमारे लिए लगे हुए हैं वो आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, न कि क्योंकि वो खुद भी एक बीमारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप लोग घरों में रह के आपको सेफ कर रहे हैं, लेकिन खुद जो डॉक्टर हैं हर सेक्टर में, सरकारी जो जॉब करने वाले, बैंक में,
सभी का सहयोग है और इस सहयोग को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम स्वस्थ रहे तो अच्छे पशु तो आने वाले टाइम में फिर भी मिल सकते हैं। तो आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी, और मैं फिर से कहूँगा इस वायरस को अगर आप लोग एकता दिखाओगे तो इसकी कोई वो नहीं, बड़े बड़े जो महायुद्ध हैं वो भी पीछे हट गए। ये तो एक छोटी सी बीमारी माने इसको, और ये खाली एक दूसरे के संपर्क में न आने से ख़त्म हो सकती है। तो पशुपालक भाई, खाली आपके एंजॉय के लिए हमने ये वीडियो डाली कि आप बैठ के टाइम पास नहीं होता। काफ़ी पशुपालक बोल रहे थे आप वीडियो डालते रहें, हम देख के और पशुओं से, क्योंकि पशु देखने से भी एक इंटरेस्ट और एक नॉलेज होती है वो बढ़ता है। और हर तरह से भाई के पशु अच्छे हैं, और भाई ने हमारे पास फ़ोन किया और ये वीडियो डाली और पब्लिक को दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। सभी पशुपालक भाई वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो पशुपालक और जो हमारा किसान है वो घरों से न निकले, पशुपालन हम फिर भी कर लेंगे। लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।